नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेका। बिहार के कोरोना पीड़ितों की संख्या जो बढ़ी है उसके विषय में मैं आपको बता दूं, अब 38 में 37वां जिला मुजफ्फरपुर भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो गया। केवल एक बिहार में जमुई ऐसी जिला बची हुई है जहां अब तक कोरोना पॉजिटिव एक भी नहीं मिला, लेकिन मुजफ्फरपुर में 3 मरीज आज मिले हैं और पूरे बिहार की संख्या बढ़कर हो गई 585। अब आप यह बात जान लें कि जो मुजफ्फरपुर में 3 मरीज मिले वो तीनों मरीज गुजरात के अहमदाबाद से पिछले दिनों आए थे। जो सरकार ट्रेनें चला रही है और बाहर से मजदूरों को और श्रमिकों को मंगा रही है, उसी कड़ी का एक यह हिस्सा है कि 3 जो मुजफ्फरपुर में मिले हैं मरीज वो तीनों गुजरात अहमदाबाद के थे और वहां से वो अपने घर बिहार मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर में 3 मरीज मिलने से मुजफ्फरपुर प्रशासन सख्ते में आ गई और वहां के जिला पदाधिकारी ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने स्तर से हर तरह का उपाय कर रहा हूं। तो अब आप जान लें कि बिहार में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं और 585 की संख्या हो गई। डे बाय डे अपडेट जो भी आता है स्वास्थ्य विभाग के संजय कुमार के द्वारा, वह मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अब तक का जो अपडेट है वह 585 और नए जिला जुड़ गए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 3 मरीज मिले जो बाहर के हैं। तो इसी प्रकार बिहार में बहुत सारे बाहर के श्रमिक और विद्यार्थी कोटा से आए हैं। अब देखना यह है कि उन सारे लोगों में कितने लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। बिहार के लिए अच्छी खबर नहीं है, 38 में 37 जिला कोरोना से प्रभावित अब तक हो चुका, जमुई बचा हुआ है। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, आवश्यकता हो तो बाहर निकलें। अब घबराने की आवश्यकता है क्योंकि बाहर के आने वाले कोरोना रूपी महामारी को लेकर अपने बिहार में आ रहे हैं और उनके संपर्क में आने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए विशेष एहतियात बरतनी जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।